हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि जो प्रपोजिशंस कुछ दिशा बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेस ऑफ पोजीशन के बारे में, यानी कि जो कोई जगह के बारे में बताते हैं, जैसे कि कोई चीज ऊपर है या कोई चीज नीचे है या कोई चीज बगल में है या कोई चीज आपके सामने है। ये हमें बताते हैं प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन। इसमें कई तरीके के प्रपोजिशंस आते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, अबव, बिलो, ओवर, अंडर। इस तरीके के प्रपोजिशंस हमें बताते हैं जगह के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं एक एक करके सभी प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजीशन हमें ऐसे प्रपोजिशंस के बारे में बताते हैं जो किसी जगह को बताएं, जैसे कि एट, ऑन, इन, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, बिफोर, बिहाइंड। ये सभी प्रपोजिशंस को हम किसी जगह को बताने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एट के बारे में। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक प्लेस की बात करनी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं एट का। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एट होम। होम क्या है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेट हिम एट अ पार्टी। पार्टी क्या है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस है। ही इज वेटिंग एट द एंट्रेंस। सी यू एट द डेंटिस्ट ऑफिस। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है इन। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के नामों के पहले होता है, जैसे कि यू लिव इन कोलकाता, वी लिव इन इंडिया। ये क्या है? बड़ी प्लेसेस है, उसके लिए हम यूज करेंगे इनका। नेक्स्ट प्रपोजिशन है ऑन। ऑन का यूज किसी जगह के लिए होता है, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, यानी कि किताबें मेज पर पड़ी हैं। देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड, उसके सर पर एक कैप है। ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है पर। बुक्स टेबल पर रखी हैं। द बॉल इज ऑन द शेल्फ, बॉल शेल्फ पर रखी है। नेक्स्ट प्रपोजिशन से अबव एंड बिलो। इनका प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी कि जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। द पोर्ट्रेट इज अबव माई बेड, यानी कि चित्र मेरे बेड के ऊपर है। बिलो का एग्जाम्पल देखते हैं, जेन हैज अ मार्क बिलो हर लेफ्ट आई, जेन की बाईं आंख के नीचे एक निशान है। अबव और बिलो का यूज एज बताने के लिए भी किया जाता है, ही इज अबव 30, यानी कि वह 30 के ऊपर का है। यानी कि यहाँ पर एज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अबव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अबव और बिलो, ओवर और अंडर में डिफरेंस। वर्टिकली अपवर्ड्स है अगर कोई चीज तो वहां पर यूज होता है ओवर का, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली अपवर्ड्स है तो वहां पर यूज होता है अबव का। फैली हुई चीजों के लिए हम यूज करते हैं अबव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फैन ओवर योर हेड। फैन क्या होता है? हेड के बिल्कुल ऊपर होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है, इसलिए वहां पर यूज होता है ओवर का। ऐसे ही द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, एरोप्लेन फ्लाई करता है अबव द क्लाउड्स। अब देखते हैं अंडर का एग्जाम्पल, इसमें भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी कि कैट टेबल के नीचे बैठी है। हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स की बात होगी तो वहां पर यूज होगा बिलो का। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, द सन डिसअपीयर्ड बिलो द होराइजन। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन बिटवीन। बिटवीन का यूज दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मीरा एंड प्रिया, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन, दो लोगों में स्वीट्स बांट दो। बिटवीन के बाद हमेशा एंड कंजंक्शन का यूज जरूर होता है, फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन मीरा एंड माधुरी। ऐसे ही बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल यूज होते हैं, जैसे कि बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, बिटवीन दीज टू बॉयज, बिटवीन दीज टू गर्ल्स, या बिटवीन देम या बिटवीन अस। बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन एवरी गर्ल, इस तरीके से यूज नहीं होगा। बिटवीन द बॉयज हम यूज कर सकते हैं, बिटवीन द गर्ल्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अमंग। अमंग का यूज दो से ज्यादा चीजों के लिए या दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, चीफ मिनिस्टर ने गरीबों में कंबल बांटे। पुअर यहाँ पर दो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अमंग। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉल वॉज हिडन अमंग द लीव्स, पत्तों के बीच में बॉल छुपी हुई थी। इसी का ही सिमिलर प्रपोजिशन होता है अमंगस्ट, ये भी दो से अधिक चीजों के लिए यूज होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमंग और अमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अमंग यूज होता है कॉन्सोनेंट
कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले और अमंगस्ट होता है वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले। फॉर एग्जाम्पल अमंग देम, द यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अमंग। अमंगस्ट अस, अस क्या है, अस में आ रही है अ की आवाज, अ क्या है, एक वोवल है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अमंगस्ट का, अमंगस्ट अस। अमंग यू, यू में आ रही है य की साउंड, वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अमंग। अमंगस्ट आर फ्रेंड्स, आर में आ रही है आ की आवाज, वो क्या है, एक वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अमंगस्ट, अमंगस्ट आर फ्रेंड्स। अमंगस्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। विशाल वाज सिटिंग अमंगस्ट अस, आई फाउंड द लेटर अमंगस्ट अ पाइल ऑफ बुक्स, मुझे पत्र किताबों के ढेर के बीच मिला। नेक्स्ट हमारे दो और प्रपोजिशन है अमिड और अमिड्स, इनके बीच में भी वही डिफरेंस होता है जो अमंग और अमंगस्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल रघु इज सिटिंग अमिड हिज फ्रेंड्स, यानी कि रघु अपने मित्रों के बीच में बैठा है। रंजन इज सिटिंग अमिड्स अस, रंजन हमारे बीच में बैठा है। अस यानी के अ की आवाज आ रही है, वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है अमिड्स का। नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है बिफोर, यानी के सामने या के आगे। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, कल्पना तुम्हारे सामने बैठी है। ऐसे ही अपीयर्ड बिफोर द जज, यानी के वह न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ। ऐसे ही हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है बिहाइंड, यानी के पीछे। शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वह अपने भाई के पीछे भाग रही थी। शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, यानी कि उसने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया। ये सभी हमने डिस्कस किए प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस और पोजिशन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट एड कर सकते हैं। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ।